वेलकम टू माई चैनल एक्सप्लोर ड्रीम्स विद यू भी। इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम लोग हैं निमराना फोर्ट में। निमराना फोर्ट जो कि दिल्ली से 122 किलोमीटर दूर है, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। 2 घंटे की दूरी है दिल्ली से यहाँ के लिए। निमराना फोर्ट की हिस्ट्री में थोड़ी सी आपको बता दूँ। निमराना फोर्ट 1464 में बना था। इसको बनाया था पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने, और इसको बेचा था राजेंद्र सिंह, जो लास्ट किंग थे यहाँ के, जो राजा थे राजेंद्र सिंह थे, उन्होंने सिर्फ इसको 7 लाख रुपए में बेच दिया था या रख रखाव के लिए दिया था, ये भी आप बोल सकते हैं। 1991 में ये निमराना पैलेस होटल बन गया। अब आप 2021 में देख रहे हैं, इसको 30 साल पुराना ये होटल हो चुका है, जिसको मेंटेन कर रही है निमराना पैलेस होटल। इसके अंदर अभी हम चलेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसकी खूबसूरती देखेंगे। यहाँ पर आने के लिए जो एंट्री टिकट लगती है वो है 750 रुपये, अगर आपको सिर्फ फोर्ट घूमना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जिप लाइन भी कर सकते हैं, जिपिंग जो एक एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी, उसकी फ़ीस है 1400 रुपये ऑनलाइन, और यहाँ पे आके टिकट लेते हैं फिज़िकली तो 1500 रुपये। उसके अंदर आपकी एंट्री फ्री है, मतलब अगर आप जिप लाइन की टिकट लेते हैं तो एंट्री फ्री है यहाँ पे। तो अब हम चल रहे हैं जिप लाइन की ओर और निमराना फोर्ट के अंदर खूबसूरती देखते हैं। आइए, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये निमराना फोर्ट का रिसेप्शन एरिया है। जो भी यहाँ पे होटल में बुकिंग होती है वो सिर्फ इस रिसेप्शन एरिया में पहले एंट्री करनी पड़ती है। अभी हम जा रहे हैं सीधे फोर्ट की ओर। ये देखिए, मैं अंदर आ चुका हूँ निमराना फोर्ट के, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा निमराना फोर्ट है, जिसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है यार, ये बहुत ही ब्यूटीफुल महल है ये, और इसको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। 550 साल पुराना लग नहीं रहा ये, बिल्कुल इसे मेंटेन रखा है निमराना होटल पैलेस वालों ने अभी तक इसे। मेरे साथ हैं दशरथ चौहान जी। नमस्कार दशरथ जी। नमस्कार। ये यहाँ के हमारे लोकल गाइड हैं, जो हमें बताएंगे कि निमराना फोर्ट कब बना था, निमराना फोर्ट की हिस्ट्री क्या है, और निमराना फोर्ट कैसे आ सकते हैं, दिल्ली से कितनी दूरी है, ये सब आपको ब्रीफ करेंगे। आप प्लीज़ बताएंगे दशरथ जी, यहाँ पे हम कैसे आ सकते हैं और निमराना फोर्ट की हिस्ट्री क्या है? देखिए, निमराना फोर्ट 1964 में चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था। 1964 में सॉरी बनाया गया था। पहले हिस्से का, पहले सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाएंगे प्लीज। पहले सिर्फ ये वाला पोर्शन था जो राजा ने बनाया था। उसके बाद जो निमराना होटल्स के ओनर थे, उन्होंने ये खरीद के ये पूरा डेवलपमेंट उसके बाद हुआ है, इस साइड का पूरा डेवलपमेंट। अच्छा, ये नया एरिया, ये पूरा नया एरिया बनाया गया है। पूरा ऊपर जिप लाइन बनाई गई है, जिसकी 5 लाइनें हैं, जिसका आनंद आप कभी भी आकर ले सकते हैं। अभी तो वो अंडर मेंटेनेंस चल रही है कुछ दिनों से, अभी 2 जिप लाइन चालू हैं, अगर आप अभी रिसेंटली आते हैं तो ठीक है। उसके बाद ये निमराना विलेज है पूरा। पहले ये बहुत छोटा सा हुआ करता था, अभी तो पूरा जापानी इंडस्ट्री जाने के कारण ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़े एरिया में फैल गया है। इस साइड में ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें जापानी कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां हैं, इंडियन जोन है, जापानी जोन है, कुछ अच्छी अच्छी सोसाइटियां भी यहां पे आ गई, जैसे एलडीको सोसाइटी है, आसादीप सोसाइटी है। बाकी फोर्ट का आप आनंद ले सकते हैं कभी भी किसी भी मौसम में आके। ये देखिए, फोर्ट के अंदर काफ़ी अच्छी कलाकारी भी की गई है, वॉल्स के अंदर पेंटिंग्स देखिए आप, ये अच्छी बना रखी हैं। हम लोग जिप लाइन के लिए आ चुके हैं, और अभी हम सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो पहनाते हैं उस वाले रूम पे हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सेफ्टी इक्विपमेंट पहनाए जाएंगे, और यही से हम जिप लाइन के लिए चलेंगे। यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं ये हमें गाइड करते हैं, बताते हैं। ठीक
कैसे जिपलाइन करनी चाहिए और किस तरीके से आगे जिपलाइन के लिए जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे दो ही जिपलाइन चालू हैं, वैसे ही 5 जिपलाइन हैं यहाँ पे। यहाँ देख रहे हैं निम्राना, जिपलाइन करने से पहले सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको पहनने पड़ते हैं। ये आपका दशरथ जी जो हमारे गाइड हैं वो उस समय ये सेफ्टी किट पहन रहे हैं। नरेश जी मेरे साथ हैं, ये हरियाणा से हैं और यहाँ पे जिप लाइन यही करवाते हैं जी। तो ये थोड़ा मुझे अभी गाइड भी करेंगे कि निम्राना फोर्ट कब बना था, किसने बनाया था, अभी इसके ओनर कौन है। अभी हम रास्ते में ट्रैक करते करते पूरी इनसे हिस्ट्री जानेंगे। निम्राना के पीछे यहाँ पे दो रीजन बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे नीम के पेड़ ज़्यादा थे इसलिए यहाँ पे यहाँ का नाम निम्राना पड़ा, और एक राणा नाम की कास्ट यहाँ पे थी। अच्छा, नीम प्लस राणा निम्राना, इसलिए इसका नाम निम्राना रखा क्योंकि नीम के पेड़ ज़्यादा थे जी, एंड राणा नाम के कास्ट थी यहाँ पे जो मैन थी। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी जिप लाइन जाने से पहले, नरेश जी हमें गाइड कर रहे हैं और हमारे मेरे दूसरे गाइड हैं दशरथ जी जो कि प्रैक्टिस सेशन में पार्ट ले रहे हैं। मैं कर चुका हूं इसको अभी सर। चलिए अब आगे प्रैक्टिस के बाद हम लोग 300 मीटर की ट्रैक कर रहे हैं ऊपर के लिए। निम्राना में आके ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी हम कहीं हिमाचल में आ चुके हैं, माउंटेन्स में ट्रैक कर रहे हैं। तो ये इसमें कौन सी रेंजेस हैं ये आपकी जो अरावली हिल्स हैं सर? अरावली हिल्स जो सबसे पुराने हिल्स हैं, सबसे पुराने और सबसे लंबी, सबसे पुरानी और सबसे लंबी जी सर। क्या आप देख रहे हैं ट्रैक, काफ़ी केयरफुल चलना पड़ता है इस ट्रैक पे। तो ये जो आप देख रहे हैं सर, इसका ओल्ड है, ये निम्राना फोर्ट का नेचुरल पार्ट है, जो ओल्ड पार्ट है वो देख रहे हैं आप सामने। ये 1984 में इन्होंने जब खरीदा था पूरा खंडर टाइप था, मतलब 1984 में पूरा खंडर था ये जी, फिर इसको मेंटेन किया उन्होंने जी सर। तो आपने बताया इसके अभी ओनर कौन है? मिस्टर अमरनाथ जी। मिस्टर अमरनाथ जी ओनर है इसके अभी जी, दिल्ली से। तो इन्होंने कब खरीदा था ये? 1984 में। 1984 में जी सर। और उनके साथ तीन पार्टनर और थे वहाँ पे। अच्छा, तीन पार्टनर और थे, दो लोग अलग हो गए, अभी दो लोगों की प्रॉपर्टी। तो लास्ट किंग जो थे राजेंद्र सिंह, उनसे लिया था जी सर। ओके, एक निम्राना में कोई बावड़ी भी सुनी है? हाँ, मैं बताऊँ सर, वहाँ पे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ओके, वो 9 स्टोरी डीप है सर। 9 स्टोरी डीप जी सर। ओके, इसमें 125 के समथिंग स्टेप है सर। 9 स्टोरी डीप और 125 स्टेप्स हैं जी सर। तो बावड़ी किस लिए बनाई थी वहाँ पे सर? उस समय बताते हैं, जैसे फोर्ट के स्टाफ मेंबर बताते हैं, जो यहाँ से तहखाना एक वो है, वहाँ से वहाँ तक एक वो है सुरंग है नीचे नीचे। तो गर्मी में राजा बताते हैं वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता था ना वहाँ पे। तो आप बता रहे थे कि यहाँ पे रूम प्राइसेस क्या हैं? 8,000 से स्टार्टिंग है सर और लास्ट 40,000। और कितने रूम्स हैं यहाँ टोटल? 77 रूम है सर। 77 रूम्स है, और सभी रूम का नाम ना महल है पीछे, और गोपी महल, राधा महल, सब रूम के पीछे महल जरूर मिलेगा आपको, जितने भी रूम्स हैं उसके पीछे महल मिलेगा जी सर। या तो आप लंच के साथ आ सकते हैं, जिसमें वीकडेज में 1700 रुपये पर हेड है, वीकेंड में 2000 रुपये पर हेड, उसमें लंच और 2 घंटे का विजिट रहता है सर। अच्छा, लंच और 2 घंटे का विजिट है। और दूसरा ऑप्शन जो आपने अभी चूज किया है जिपिंग, तो जिपिंग के साथ भी आप विजिट कर सकते हैं फोर्ट को। ओके जी, जैसा कि नरेश जी ने बताया 1984 में सिर्फ यहाँ एक रूम था, फिर अब 1990 में यहाँ पे सिर्फ एक रूम था, उसके बाद अब 77 रूम्स हैं। यहाँ स्टे करने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जो प्राइस है वो 8,000 से स्टार्टिंग है और 40,000 तक जाता है। और
यहाँ के रूम्स में टीवी नहीं है जी। यहाँ लोग आउटिंग करने आते हैं और इवनिंग में यहाँ प्रोग्राम भी होता है, राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम होता है इवनिंग में वीकेंड पे। और यहाँ पे आप आगे जिपिंग के साथ साथ में आप कैमल राइड कर सकते हैं, जो आपको बावड़ी तक ले जाते हैं वहाँ सामने जी सर, 1 किलोमीटर दूर है। और आप विंटेज कार राइड कर सकते हैं, जो आपको नीचे नीमराना विलेज में ले जाते हैं, तो उसमें 3 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। क्या चार्जेज हैं उसके पर राइड सर? उसके पक्का कंफर्म नहीं हो, 1300 से 1500 रुपये है। उसमें पूरा निमराना सिटी घुमाते हैं जी सर। तो वो कार क्या 100-150 साल पुरानी है? विंटेज कार ओके। टाइम अच्छा रहता है यहाँ, मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम अच्छा रहता है सर। गर्मी में कभी भी आएँ तो मॉर्निंग या इवनिंग में आएँ, अदरवाइज अक्टूबर से अप्रैल के बीच में आएँ, बिल्कुल वो टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम लोग अगस्त में हैं। स्पेशल आप नवंबर दिसंबर जैन फेब में आएंगे, देन यहाँ पे फॉग रहता है, तो फॉग में डिफरेंट व्यू एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये पहली जिपलाइन करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है मुझे, थोड़ा सा फियरफुल भी है, बट जैसा मुझे नरेश जी ने बताया जो आप गाइड कर रहे हैं, बहुत इजी है और कोई बहुत सेफ है, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं और मैं अब एंजॉय करने जा रहा हूँ इसे। आप देखिए विदाउट साइन, नो नीड टू ब्रेक, ओके सर? आर यू रेडी? रेडी। ओके, 3, 2, 1, गुड टू गो, नीज अप, रेडी, रेडी, गो। देखिए पहली जिपलाइन हमने कर ली है और काफी इंटरेस्टिंग थी और मजा आया, बहुत एंजॉय किया, डर बिल्कुल भी नहीं लगा। पहले लग रहा था कि कुछ डेंजरस था ना हो, बट बहुत सेफ है और आप लोग यहाँ आ सकते हैं और काफ़ी एंजॉय करेंगे। मैं तो सजेस्ट करूँगा यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ, दिल्ली से बहुत पास है, सिर्फ 122 किलोमीटर है, 2 घंटे लगते हैं। आप टैक्सी करके आ सकते हैं या सेल्फ ड्राइव करके आ सकते हैं या फिर बस से भी आ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। इफ्को चौक से बस मिलती है दिल्ली में धोला कुआं से और सरायकाली खान से, और अगर आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं आप या फिर मुंबई बेंगलोर आउट ऑफ स्टेशन से, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आएँ, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधी टैक्सी मिलती है निमराना के लिए। यहाँ पे मूवी की शूटिंग्स भी हुई हैं जैसे नरेश जी बता रहे हैं। कौन कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले मेजर साहब की शूटिंग हुई थी, जो आप नेक्स्ट वायर करेंगे उसका नाम भी बिग बी रखा है हमने। अच्छा, जो अब नेक्स्ट वायर उसका नाम भी बिग बी है। यस सर। मेजर साहब के अलावा और यहाँ पे कुछ शूटिंग्स होते गानों की भी मैंने सुना है, सॉन्ग्स एल्बम्स की। यस सर, ले जा रहे काफी अच्छे से सॉन्ग यहाँ पे शूटिंग है, और शूटिंग के लिए बेस्ट लोकेशन है। मैंने सुना है काफी लोग यहाँ पे अपनी वैकेशन ट्रिप भी मतलब वो बनाते हैं, मैरिज भी करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल काफी मैरिज पिछले अभी तो जैसे कोविड में कम है, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू शादी होती रहती है सर। शादी के लिए बेस्ट लोकेशन है सर। अच्छा, क्या चार्जेस हैं शादी के अगर हम कोई अपने इसका इनके कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको दिल्ली हेड ऑफिस, इनका दिल्ली हेड ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा तब भी आसपास कोई डिमांड करता आप कितने सपोज आप कुछ पार्ट बुक कर रहे हैं, आप कुछ रूम कर रहे हैं, आप पूरा बुक कर रहे हैं तब भी चार्जेस 25-30 लाख 50 लाख के आसपास कितना होगा? ज़्यादा है क्योंकि अगर सपोज आप पूरा बुक करते हैं तो जो जिपिंग वाले होते हैं उनको विजिट अलाउ नहीं होते उस दिन। अच्छा, जिस दिन शादी होती है मैरिज के लिए बुक होता है उस दिन जिपिंग वालों के लिए क्लोज होता है, उसके लिए हमें नीचे जाना होता है मेन गेट पे, उनके साथ में आते हैं, देन जिपिंग करवा के साथ में उनको बाहर छोड़ के आते। ये वाली जिप लाइन जो है वो है 175 मीटर की, इससे पहले जो हम करके आए हैं वो 250 मीटर की थी, और इससे ऊपर एक और है 400 मीटर की जो कि अभी अंडर मेंटेनेंस है, 15 दिन बाद ओपन होगी जी। इस जिप लाइन का नाम है बिग बी, इससे पहले वाली का नाम था जेम्स पॉन्ड। तो अब हम 175 मीटर में जा रहे हैं। ओके, ये जा रहे हैं युवराज जी सेकंड ट्रैक पे, 175 मीटर का ट्रैक है और मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट गो द लास्ट वन। ओके सर,
दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंजॉय किया, बहुत मजा आया। ये देखिए हम सेकंड जिप लाइन करके आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। हमारे साथ गाइड थे मिस्टर नरेश जी और मिस्टर ईश्वर जी, इन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया। आप कभी भी आएँ तो ये काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे यहाँ का लंच दिखाता हूँ, बुफे और फोर्ट दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग निमराना फोर्ट के जो मेजर साहब मूवी में जो फेरे हुए थे ना, वेडिंग सेरेमनी जो हुई थी मेजर साहब मूवी में, वो इस जगह हुई थी। अब निमराना फोर्ट के अंदर जा रहे हैं हम लोग। लिफ्ट के अंदर है एक्चुअली। यहाँ पे आपको जब फोर्ट में आएंगे लंच के लिए जाना होगा ऊपर से, तो ये लिफ्ट बना रखी है लोगों ने। तो अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं नीचे। लंच की प्राइस मैंने आपको पहले भी बताई थी, 1700 रुपये पर हेड है। ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और यहाँ पे आके भी ले सकते हैं।